नमस्कार, मैं हूं लक्षिका डागर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मोतिहारी में बच्चों का शोषण का मामला है। भाजपा नेता राधा मोहन सिंह के भतीजे विजय सिंह पर बच्चों के शोषण का आरोप लगा है। बिहार सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है, लेकिन जन अधिकारी पार्टी बेटियों की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ेगी। लगातार बच्चियों का शोषण और बलात्कार बिहार में बढ़े हैं, उसमें मोतिहारी के राजेपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। डीएवी स्कूल पानापुर नरा महेंद्र छात्रावास विजय सिंह, जो राधा मोहन सिंह के अपने भतीजे हैं, इन पर टीचर की बेटियों के साथ लगातार शोषण और दर्जनों बच्चे के साथ लगातार अर्धनग्न वीडियो बुलाना, रात में शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है, जिसमें थाना प्रभारी ने कोर्ट को सारी डिटेल लिखा है। इसको वर्तमान बीजेपी के मंत्रिमंडल ने दबाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं इसकी जांच बिहार सरकार किसी न्यायाधीश से कराए। जितने भी हॉस्टल हैं, लगभग उसमें यौन शोषण लगातार हो रहे हैं। बिहार के लगभग हॉस्टल, एक नहीं, मैं इसको बार बार कह रहा हूं, लगभग पटना के लगभग हॉस्टल यौन शोषण का सबसे बड़ा हिस्सेदार, और ये सारे प्रूफ है। इसीलिए आज पूरे बिहार में इन जमीन बालू माफिया और यूक्रेन के बच्चों पर हुए हमले जुर्म के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ आक्रोश मार्च और पुतला दहन है। संकल्प के साथ आगे बढ़े। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।